Hello, good morning students. I am teaching subject SS Standard 7. Okay, Standard 7 में lesson number 6 का complete. Then lesson number 7. What is the name of lesson number 7? India location, border, area and physiography. Means India के हमें क्या बताना है? Location बताना है, border, इसका area कैसा है, कितना cover up है एंड फिजियोग्राफी. ओके, सो वी स्टार्ट पेज नंबर 34. यू हैव लर्न अबाउट द लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात इन क्लास 6. नाउ वी लर्न अबाउट इंडिया. हमने क्लास 6 में इंडिया के लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी गुजरात के सॉरी इंडिया में जो गुजरात है उनके बारे में हमने देखा है. देन हम लर्न करेंगे इंडिया के बारे में. ओके, सो यू कैन सी दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया का है जिसमें हमें डिफरेंट कंट्रीज बताई गई है. फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक गिवन बिलो अबाउट इंडिया. हमें नीचे इंफॉर्मेशन क्या करना है, फिल करना है. इंडिया लाइज बिटवीन 8.4 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 37.0 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 68.7 डिग्री ई टू 97.25 डिग्री एंड लॉन्जिट्यूड से क्या है आया हुआ है. इंडिया इज इन द डेप्थ ऑफ एशिया. इंडिया एशिया के कहां पे आया हुआ है, साउथ में. देन बॉर्डर पे है. देन इज इन द ईस्ट. ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश. नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है. तो ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश. हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे ये ईस्ट. देन अपर है डेट इज इन द वेस्ट. वेस्ट की तरफ क्या है, तो अरेबियन सी. क्या है, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी. सो हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं अरेबियन सी, सऊदी अरेबिया. इट्स अरेबियन सी इस तरफ होगा. अब देख कर लेना अपने बुक में लिख के. देन देयर इज इन नॉर्थ. नॉर्थ में क्या है, नेपाल. देयर इज इन साउथ. साउथ में क्या है, श्रीलंका. श्रीलंका साउथ में, नॉर्थ में नेपाल है. देन कंट्री इज इन नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो पाकिस्तान. नॉर्थ वेस्ट की तरफ कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान. देन 35 पेज नंबर, इसमें भी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का बताएं जिसमें इंडिया की स्टेट्स हैं. आप देख सकते हो ऊपर है जम्मू कश्मीर, देन श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, उत्तरांचल, हरियाणा, जयपुर राजस्थान का, मेयर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ. जिसमें क्या है, स्टेट है, उस स्टेट की मेन जो कैपिटल है वो भी बताई गई है, ठीक है. देन आता है हमारा एरिया. तो इंडिया एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ा हुआ है कहां से, कश्मीर इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी. नॉर्थ की कन्याकुमारी के कश्मीर से इन द साउथ में एंड कवर डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ से. इट एक्सटेंड उसको आगे बढ़ाया गया है अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट में टू द्वारका इन द वेस्ट एंड कवर होता है 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कवर अप है. लैंड एरिया ऑफ इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इंडिया इज कंसिडर्ड एज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया के टर्म में सेवन लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया टेपर्स towards the north and south and is relatively border in the center. और सेंटर में इसकी border है. There are 29 states, 7 union territories हैं, including New Delhi, the capital of India. New Delhi क्या इंडिया की कैपिटल है. Then next page,
यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म नहीं है एवरीवेयर हर एक जगह पे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन के ऊपर है। इन द लैंड फॉर्म में इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जियोग्राफिक डिवीजन में क्या है डिवाइडेड है। फर्स्ट नॉर्थन माउंटेन रेंज, सेकेंड प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेकन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, आर्किपेलागो एंड इंडियन डेजर्ट। इन सब में क्या है जियोग्राफी डिवाइडेड है मीन्स माउंटेन एंड प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड एंड देन डेजर्ट। ओके तो फर्स्ट है हमारा नॉर्थन माउंटेन रेंज, क्या है नॉर्थन माउंटेन रेंज, हिमालय इज इन चेन ऑफ थ्री माउंटेन का है, चेन बनी हुई है ऐसे एंड इज कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज, और जिसे क्या कहते हैं हिमालय माउंटेन रेंज। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देर आर थ्री डिविजन ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज में, उसमें थ्री डिविजन है हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल रेंज, जिसमें देर आर थ्री डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग एंड पैरेलल रेंजेस है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। द सेंट्रल हिमालय कहाँ है लाइन द सेंटर में बीच में एंड द रेंज टुवर्ड अर्थ की जो रेंज है उसके साथ इंडिया इज कॉल्ड शिवालिक रेंज भी कहते हैं। देन नेक्स्ट पेज 37 इंडिया माउंटेन रेंज हमें बताया है तिब्बत नेपाल भूटान ये अलग अलग कंट्री में कैसे हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज 8611 किलोमीटर या हाई है, कौन सा माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट 88480 मीटर इज हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड का, जो काम में लोकेटेड है हिमालय रेंज नेपाल में। कांचनजंगा 8518 मीटर, नंदा देवी 7870 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर आर हाई पीक है उनके लोकेटेड इन द माउंटेन रीजन के हिमालय में। ओके द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय का इस माउंटेन पर कोई एंड दूसरे वेरी आई मीन से फ्रॉम द फ्रॉम पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय के पार्ट से वेर जड़ गारो खासी जयंतिया नागा हिल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द साउथर्न हिमालय का फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है। देन हमारा पॉइंट आता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्या है नॉर्थ इंडिया का प्लेन। द प्लेन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द एल्यूवियम ब्रॉट बाय द हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। ये जो प्लेन है टू द साउथ की तरफ नॉर्थन माउंटेन रेंज का फॉर्म हुआ है बाय द एल्यूवियम एल्यूवियम ब्रॉट जिस लेकर के बाय द हिमालय में से एंड पेनिनसुलर रिवर से दे कवर वास्ट एरिया नॉर्थन इंडिया का कवर कर लेते हैं। That is why क्यों दे आर नोन एज द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का क्या एक प्लेन है द प्लेन मेड बाय द रिवर्स, ये प्लेन बना हुआ है बाय द रिवर्स के थ्रू आर सो वास्ट दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड का एंड फॉर्म बाय द रिवर और रिवर का एक फॉर्म बन जाता है। ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दिस प्लेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड एरिया इंडिया, ये वास्टनेस की वजह से वो एक मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलेट एरिया बन गया है वर्ल्ड का। ओके देन पेज नंबर 38 रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय, तो इसमें आपको नेम लिखने और मेजर लेक्स के नेम लिखने। ओके देन आता है सेंट्रल एंड डेकन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड डेकन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। सेंट्रल एंड डेकन प्लेट्यू कहाँ पे साउथ में नॉर्थ इंडिया की तरफ दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल में स्प्रेड होता है सराउंडेड बाय वाटर बॉडी से ईस्ट की तरफ सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास से मेड अप ऑफ रॉक से बना हुआ रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड द शॉन रिवर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू में देखने मिलती है।
This plate is further divided two parts में Malwa plate to the north and Deccan plate to the south. The soil in this plate is not very fertile, but because it is there, this area yields a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. Soil में ये plate में वो fertile नहीं है, but क्योंकि जो it is black है और ये area yield मीन्स मिलता है यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप की अलग अलग वेराइटी एंड ऑल्सो फ्रीजर एक खजाना बन गया है, हाउस ऑफ मेनी मिनरल्स का, बहुत सारे मिनरल्स का एक खजाना बन गया है. देन पेज नंबर 39 कोस्टल प्लेन्स. क्या है कोस्टल प्लेन्स? इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड, सी ऑन ऑल थ्री साइड. इंडिया के आसपास सी के थ्रू सराउंडेड घेरा हुआ है थ्री साइड की तरह. द कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7570 किलोमीटर लॉन्ग. कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन. नैरो प्लेन के मेड अप से रीजन बना हुआ है. द ओशियन लाइ ऑन वन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन व्हाइल द पेनिनसुलर प्लेटू लाइ ऑन अदर. एक साइड की तरफ कोस्टल प्लेन है व्हाइल दूसरी साइड The region lying to the east of the western gate is known as the eastern coastal plain. ये जो region lie to the east की तरफ जा रहा है, eastern gates is known as eastern coastal plain. It is well known, जिसको हम जानते हैं, for its fishing industry के लिए. चेन्नई, पांडिचेरी, मछली पटना एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के. रीजन 9 टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न गेट, जो वेस्ट की तरफ जाता है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. वो नैरोवर है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या नैरोवर है. दिस एरिया इज ब्लैक, वो एरिया ब्लैक फर्टाइल सोइल है और एल्यूवियम डिपॉजिट होता है विच इज कंडक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जिसमें हमें क्रॉप ग्रो करने में क्या मिलती है, हैं मिलती है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रिनोम्ड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए भी जानता है एंड फिशिंग इंडस्ट्री के लिए. मेजर पोर्ट्स एंड सिटी जैसे कि मुंबई, कंडला, मैंगलोर, कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन दिस रीजन में है. देन है आर्किपेलॉग्स एंड आइलैंड. पीस ऑफ लैंड का एक पीस स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट से छोटा. That is surrounded by water, जिसके आसपास पानी हो, is an island. क्या है island? Group of many such islands form an archipelago. Group है island का जिसे जो उसके form में होता है archipelago में. लक्षद्वीप and मिनिको island situated in the Arabian Sea में towards west of India के west में. Wherever the Andaman and Nicobar are situated in the Bay of Bengal में towards the east of India. West की तरफ लक्षद्वीप और मिनिको, जबकि ईस्ट की तरफ कौन सा है, अंडमान निकोबार है. देन हमारा पॉइंट आता है डेजर्ट. क्या है डेजर्ट? और डेजर्ट के बारे में आप जानते ही हो, कैसे होता है, मिट्टी वाला मीन्स जहाँ पे हॉट और वेजिटेशन कम है, रेनफॉल स्कैंटी होता है. डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो डेजर्ट है लाइज इन द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट की तरफ. सोइल हियर इज सैंडी, यहाँ की सॉइल सैंडी मिट्टी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल होता है. व्हाट क्लाइमेट के साथ सूखा सूखा होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल. ज्यादातर कितनी रेन आती है, 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है. हैंस इट फेसेस वाटर शॉर्टेज भी होती है एनुअल रेनफॉल की वजह से. एंड रिमेन ड्राई, और पूरा सूखा सूखा होता है, मीन्स ड्राई बाकी का एरिया. बैरन एंड इनहैबिटेड ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की स्कैर्सिटी इन शॉर्टेज की वजह से एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी. और जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी हमें प्रोवाइड नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है. द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस. सो पॉपुलेशन क्या होती है ये रीजन में, बहुत ही कम. डेट फार्म एंड कैरवेंस पुल्ड बाय कैमल आर सीन इन दिस रीजन. ये रीजन में कैमल्स के थ्रू क्या होता है, डेट फार्म और कैरवेंस क्या होते हैं, पुल होते हैं, मीन्स ये सब पुल का आर्ट्स और ये होते हैं. नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज व्या द इंदिरा कैनाल की तरफ.
कहना है सक्सेस आगे बढ़ते हैं टर्निंग द एरिया में फर्टाइल में एंड फेवरेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए होता है. द काइंड ऑफ डेजर्ट का ये टाइप इन द लर्न ऑफ कच्छ. कच्छ का जो लर्न है डिफर करता है फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान रेफर से. द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड टू पार्ट में है बिग लर्न एंड स्मॉल लर्न. द सॉइल ऑफ द लर्न ऑफ कच्छ इज हाईली सेलिंग. क्या है ज्यादातर शेलिंग है. इट अपीयर एज जैसे हम देख सकते हैं द डेजर्ट सॉइल इज कवर विथ अ वाइट शीट से क्या होती है कवर अप होती है. दिस इज ओनली द डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. और ये टाइप का डेजर्ट ये वर्ल्ड में हमें देखने मिला है. ओके हियर कंप्लीट योर लेसन नंबर 7. सो हमने प्लेन प्लेट्यू डेजर्ट आइलैंड कोस्टल प्लेन इन सब के बारे में जान लिया कि इंडिया में ये सब है और कहाँ पे कैसे कौन सी डायरेक्शन में है. ओके थैंक यू.